सैमसंग, आज के पहले तक आपने इस कंपनी का नाम सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सैमसंग मोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है? जी हाँ गाइस, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो कि सैमसंग CNT यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड कंपनी ने बनाई है। इनफैक्ट पूरी ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के मेन कंस्ट्रक्टर में सैमसंग CNT का नाम आता है, जो कि सैमसंग की पेरेंट कंपनी है। क्या इसके पहले तक सैमसंग कंपनी का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रजनीकांत को साउथ में थलाइबा क्यों कहा जाता है, एक इंसिडेंट से समझिए। ये बात है 1992 की, जब रजनीकांत सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। अचानक से ट्रैफिक वाले ने वहां पर उनकी कार को रोक दिया और रजनीकांत को कहा कि आपको यहीं ट्रैफिक में ही इंतजार करना पड़ेगा, आधे घंटे में CM की गाड़ी आ रही है। तो रजनीकांत ने कहा कि इंतजार तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है, CM की गाड़ी आने में टाइम है, हमें जाने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात पे रजनीकांत बाहर निकले और पास की दुकान पर जाके खड़े हो गए। उनको देख के वहां पर भीड़ जमा हो गई। अब ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कंट्रोल करना और भारी पड़ गया। तो इस बात पे ट्रैफिक पुलिस वाला रजनीकांत के पास गया और उन्हें कहा कि प्लीज आप यहां से जाइए। तब रजनीकांत ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो भाई, इंतजार करना तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। गाइस, आपको ये घटना को सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गर्मियों में रूम्स को ठंडा रखने के लिए AC का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ते जा रही है। अब इस चीज का इलाज निकाला है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है। इस अल्ट्रा वाइट पेंट को अगर बिल्डिंग या मकानों पे किया जाए तो उससे 98.1% तक सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये बेरियम सल्फेट से बनाया जाता है। अब इसकी खास बात यह है कि जिस रूम पे या बिल्डिंग पे इस अल्ट्रा वाइट पेंट को किया जाता है वो लगभग दिन में 4 डिग्री सेल्सियस तक और रात में 10.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है। अब इस पेंट के इस्तेमाल से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों की टेक्नोलॉजी है। आपको इसके बारे में सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑक्सीजन का सिलेंडर और एम्बुलेंस शहरों में ही नहीं मिल पा रहे तो गांव तो दूर की बात है। ऐसे में अगर गांव में कोई कोविड पॉजिटिव केस आ गया तो उसकी जान कैसे बचाई जाए, ये करके दिखाया जोधपुर के तापू गांव के एक बेटे ने, जिसकी माँ कोविड पॉजिटिव थी। अब गांव में तो ये फैसिलिटी है नहीं, तो गांव से अपनी माँ को जोधपुर लेके जाना था लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। अब उसने बजाय हिम्मत हारने के अपना दिमाग लगाया और जुगाड़ ऐसा किया कि उसने अपनी पहले पिकअप उठाई और अपने जानने वाले के यहां से ऑक्सीजन जनरेटर मशीन उठाई। अब वो मशीन तो चलती थी बिजली से, इसलिए उस बंदे ने एक जनरेटर किराए पे लिया और अपनी पिकअप के पीछे बांध लिया और उसी जनरेटर के थ्रू ऑक्सीजन जनरेटर मशीन को चलाए रखा पूरे रास्ते और अपनी माँ को गांव से जोधपुर के बढ़िया अस्पताल तक पहुंचाया और अपनी माँ की जान बचाई। गाइस, आपको ये घटना के बारे में सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।